7-11 की एप्लीकेशन मान लो हमने फाइल किया था, किस ग्राउंड पर किया? मान लो सेक्शन 2(2) ऑफ द हिंदू मैरिज, हाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट इज मान लो नॉट रिएक्टेड इन दिस। 7-11 पेज नंबर पेज नंबर मान लो A2। अब पेज नंबर 14 पे है, 14 पे। हाँ वो हिंदी का वो हाथ का लिखा हुआ है जो मान लो पढ़ी है उसको लिखी। निवेदन है कि उक्त शीर्षक के प्रकरण में वादीगण द्वारा उत्मेरी, मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन लीजिए, आपके में हो सकता है साफ ना हो। निवेदन है कि उक्त शीर्षक के प्रकरण में वादीगण द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर स्वत्व घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है, किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण आदि आदिशासी समुदाय के गौण जाति के व्यक्ति हैं तथा उनकी जाति में लड़कियों को उनके पैतृक संपत्ति में से कानून व प्रथा अनुसार कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। उक्त स्थिति में उत्तराधिकार के आधार पर घोषणा का उक्त दावा प्रचलन योग्य नहीं है तथा निरस्त, एक ही है ना। तो ये तो प्रथाओं के अंदर है, क्या प्रथा है क्या नहीं है प्रथा, ये तो आप सिद्ध करोगे बाय वे ऑफ एविडेंस। प्रथा को प्रथा जो भी है पर सो फार एज मान लो द सेक्शन 2(2) ऑफ द मान लो द हिंदू सक्सेशन एक्ट मान लो इट इज टू मान लो नहीं भाई, उसमें बाहर है क्या, बाहर है मान लो क्या लिखा है मान लो मान लो काइंडली सी मान लो सेक्शन 2(2) मान लो। अब वो हमारे पास बहुत दिन बाद ये फाइल आई, तो सेक्शन 2(2) ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट मैडम निकालिए, बार का मतलब होता है नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द सिविल कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड्स, इस तरह की लाइन लिखी हो, क्लियर कट बार। अब ये तो बार नहीं है, पर उसमें सक्सेशन एक्ट के तहत जिसके तहत उन्होंने सिविल सूट फाइल किया है माय लॉर्ड काइंडली सी द सिविल सूट माय लॉर्ड एंड एक्सर्ट A6। सर मेरी बात सुन, जो बार 7-11 का इंटरप्रिटेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया कई सारे केसेस, तो वो यही किया कि बार का मतलब वो बार जहां ऐसा लिखा हो नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, जैसे 257 MPLRC में बार दिया हुआ है, और भी जगह बार दिया हो सकता है नहीं, यहाँ पे भी दो जजमेंट है पर जहाँ दिमाग खर्च करना पड़े बार निकालने में, वो बार 7-11 के लिए बार नहीं माना जाएगा, भले ही दावा बाद में मेरिट पे खारिज हो जाए। ऑर्डर क्या सेक्शन और सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट मालो टू मालो Not withstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe. अब उनको कोई हो सकता है किसी और कानून के तहत राइट मिलता हो, मालोडी अपने यहाँ से भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट उनके लिए नहीं लगेगा, मालो तो क्या लगेगा वो देखा जाएगा। पार्टीशन में मालो देर को मालो अब सिविल सूट उन्होंने फाइल किया है तो सक्सेशन एक्ट के तहत ही फाइल किया है। अब अंदाज थोड़ी लगाया जाएगा, नहीं सिविल सूट नहीं सिविल सूट, हम जो कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी कहा, वो आपका कहना क्या है कि गौण जाति के व्यक्ति तथा उनकी जाति में लड़कियों को उनके पैतृक संपत्ति में से कानून व प्रथा अनुसार कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता, ये कहाँ है, कहाँ लिखा है? वो मैं उसको असेक्टिंग कर दूंगा क्योंकि आप अध्ययन नहीं करेंगे, आई एम डिसमिसिंग दिस। हमको टाइम थोड़ा सा दे दे मालूम, तो हमारे पास फाइल नहीं थी तो आई विल कंस्ट्रक्ट सर इसके ऊपर दो 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 सेकंड अपीलों के अंदर जो है दो फैसले आए थे, उसके अंदर गौण जाति में भी प्रथा के अनुसार लड़की को हिस्सा दिलाया था, उसकी सेकंड अपील मैंने खारिज की है। अब आप अभी भी 7-11 पे जो है नहीं है जजमेंट है मालो इसको जजमेंट है तो मैं नहीं कल पे लगा रहा हूँ, कल ना करिए मालो इसमें। देखिए सर, देखिए मेरे को आप परेशान मत करिए, मेरे को यदि यदि आपको लगता है कि यहाँ गड़लत ऑर्डर हो गया रिव्यू लगा दीजिएगा। जब आप जो चीज आप 13 साल में तैयार नहीं कर पाए, 10 साल में तैयार नहीं कर पाए उसको, ये लॉ तो जिस दिन आप तैयार करते हो मुकदमा उस दिन लिखते होगे ना रिवीजन में। नहीं नहीं मैंने लिखा भी है पायलट, पर अब आज मेरे पास लिखा देख लेते, किताब नहीं लाया क्योंकि हमारे तो आप किताब कौन सी चाहिए, मैं दे देता हूँ, कल पे लगा दे लगा रहा हूँ या फिर परसों को लगा दे हर। देखिए क्या होता है कि आप कोर्ट की भी कोई बात मान लिया, हमारा निवेदन है पायलट, मैं आपका निवेदन मान रहा हूँ ना, कल पे लगा रहा हूँ, हर चीज आप ही क्यों मानी जाए, हम मान रहे हैं ना, आपसे कह दिया केस में कोई दम नहीं है फिर भी मान रहे हैं आपकी बात, आपसे कह दिया किताब नहीं लाया कल पे लगा रहे हैं, आपसे किताब देने को तैयार है और क्या करें, क्यों लाला जी बताइए क्या क्या करें, कल उसमें कुछ है नहीं, आप मेहनत कर लो आज, हाँ वही मैं एक बार देख, हाँ देख क्या कई बार देख लेना, उसमें कुछ है नहीं। अगर परसों हो जाए मतलब कल 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 बता देना, टॉप ऑफ द लिस्ट कर देते हैं, आप करके सुबह ही निकल जाना, सुबह आ जाना 10:15 बजे, कितने बजे है कोर्ट आजकल, 10:30 बजे हो गए, 10:30 बजे जो है बता देना, हम पहले आपका ले लें, यदि फेवर में मिल जाए कानून तो।
मान लो नहीं तो कोई बात ही नहीं, दे विड्रॉ कर लेना आती साथ। दे।